अथवा जनता टेलिभिजन दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले भोजपुरी समाचार के प्रमुख शीर्षक सब। गुठी विधेयक के विरोध में काठमांडू में विशाल प्रदर्शन, विरोध के क्रम में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी के बीच झड़प। सरकार प्रतिपक्ष के किनारा लगावे के खोजल, कांग्रेस सभापति देवबा के आरोप, बल प्रयोग करके आगे बढ़े के खोजल कहना। चारों देश खातिर प्रस्तावित राज उत्सव की सुनवाई प्रक्रिया शुरू, शिकायत उजुरी करेला 10 दिन के समय। कोपा अमेरिका फुटबॉल में ब्राजील और वेनेजुएला के खेल बराबर, ब्राजील के गोल के रेफरी से मान्यता ना देना बाद अंक बटाई। आ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दूसर कार्यकाल खातिर चुनावी प्रचार शुरू, प्रारंभिक चरण में ट्रंप कुछ पीछे। हमनी भोजपुरी समाचार में बानी सन आपुरा समाचार। गुठी पक्षधर सब काठमांडू के माइती घर में विशाल प्रदर्शन कैले बा। राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत गुठी संबंधी विधेयक के चौतरफी विरोध के बाद मंगर के दिने भूमि व्यवस्था गरीबी तथा सहकारी मंत्री पद्मा अर्याल विधेयक फिरता लेहल घोषणा कैले रहने। सरकार बाला लोक से छलफल के बाद विधेयक के आगे बढ़ावे के मंत्री अर्याल के तैयारी रहे, लेकिन गुठी पक्षधर सब फिर सरकार से विधेयक आगे बढ़ावे सके के आशंका कैले बा। खबरदारी खातिर विधेयक फिरता भैला पर भी काठमांडू में आज विभिन्न जगह से रैली निकाल के गुठी पक्षधर सब प्रदर्शन कर रहल बा। विभिन्न जगह से निकलल रैली माइतीगर मंडला में आयोजित खबरदारी सभा में जाके समाहित भइल रहे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार द्वारा प्रतिपक्षी दल के हिप के खोजल आरोप लगौले बा। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक में नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता शेर बहादुर देउवा प्रतिपक्षी दल के सरकार से साइड लगावे के खोजल आरोप लगौनी है। नेता देउवा कहनी कि सरकार विपक्षी दल ऊपर जबरदस्ती करके आगे बढ़े ना मिली। विपक्षी दल के नेता बोलत समय प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित होके के कहत नेता देउवा सरकार से प्रतिपक्षी दल के हमेशा हिप्ते आय आरोप भी लगौनी। जति पनि विपक्षी नेता आउनुपर्छ, विपक्षी नेता बन्दखेरि प्रधानले आउनुपर्छ, तर यहाँ उनले जहिले पनि हेप्ने काम गरिरहेको छ। त्यस कारण यो पनि कुनैहरू हामी मन्त्री सभामा नेपालमा पहिल्यै चलिरहेको चलनलाई तोड्ने काम गरेको छ। यति भन्दै म चाहिँ यो फेरि म चेतावनी दिन चाहन्छु, यी विधेयकहरू कुनै पनि हालतमा हामी चाहिँ हामीले स्वीकारी छैन। प्रजाले विरोधी विधेयकहरू, राष्ट्र विरोधी विधेयक हो, नेपालमा संविधानले दिएको अधिकारको खिलाफका विधेयक हो यो। अल्टा भाइस पनि हुन्छ, संविधान विरोधी विधेयकलाई हामी कुनै पनि हाल त मान्दैनौँ। कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमै प्रतिपक्षीमै बैठके 48 दिन तक लगातार संसद अवरोध कैल स्मरण करावत नेता देउवा अपना सबसे बोले खातिर समय मांगल बतौले बानी। संसदीय प्रक्रियामै प्रवेश कर चुकल विधेयक के संसद बाहर जाके फिरता लेबे के काम कैल कहत नेता देउवा आपत्ति भी जनौले बानी। संसदीय सुनवाई विशेष समिति सरकार से प्रस्तावित विभिन्न 4 देश के राजदूत के सुनवाई प्रक्रिया शुरू कैले बा। समिति अस्ट्रेलिया खातिर प्रस्तावित राजदूत महेश दाहाल, कतार खातिर नारद भारद्वाज, स्पेन खातिर दावा फुटी शेर्पा और बांग्लादेश खातिर डॉक्टर बंशीधर मिश्र के सुनवाई खातिर उजुरी आह्वान करे के निर्णय कैले बा। प्रस्तावित चारों देश के राजदूत के सुनवाई खातिर उजुरी आह्वान करे के निर्णय कैल समिति जानकारी देले बा। प्रस्तावित व्यक्ति का बारे में सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्ति का संबंध में सूचना वा उजुरी संकलन करने उद्देश्यले सो संबंधित सूचना सरकारी संचार माध्यमहरु मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिनु हुन माननीय सदस्यलाई अनुरोध गर्दछु। समिति से प्रस्तावित राजदूत सबके 10 दिन तक उजुरी आह्वान खातिर म्याद देवे के संवैधानिक व्यवस्था बा। ओकरा बाद प्राप्त उजुरी पर छानबीन करके प्रस्तावित राजदूत सबके सुनवाई होगी। समिति से राजदूत में प्रस्तावित सबके नाम अनुमोदन भैला बाद ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करे के संवैधानिक व्यवस्था बा।
मोरङमै मार्क्सवाद अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र विष्णुमाया पुस्तकालयमै मार्क्सवाद विषयमै नियमित पढावेके सुरु कलगेलबा हरेक हप्ताके शनिचरके सबेरे 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक पढाइ होखेके मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रके मुख्यमन्त्री शेरधन राई उद्घाटन कैले बानी। उद्घाटन समारोहमै मुख्यमन्त्री राई कम्युनिस्ट सरकारप्रति जनताके विश्वास आ भरोसा कायम रहल आ ओके निरुत्साहित होखेवाला हिसाबसे सरकार कोनो भी काम नाकरेके भी बताउले पानी। मार्क्सवाद सूत्र के रूप में रट्टे के अप्रयोग करे के सिद्धांत ना भइला से जनता के व्यवहार आचरण आ जनता के पक्ष में प्रयोग होके वाला दर्शन भइल मुख्यमंत्री राय के कहनाम रहे। केंद्र में अध्ययन करे वाला विद्यार्थी सब राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता अध्येता आ युवा विद्यार्थी सब बाटे लोग। बारा के जीतपुर के स्थानीय व्यापारी सब निर्माण हो रहा 6 लेन सड़क के जल्दी उड़वावेला निर्माण कंपनी से आग्रह कैले बा। सड़क विभाग 2073/29 कते 30 महीना के समय सीमा तय करके सड़क निर्माण के काम शुरू करे रहे। समझौता मुताबिक 2074 पुष महीना भीतरे काम पूरा करे के तय रहे, लेकिन समय में काम पूरा ना भइला बाद योजना कार्यालय पथलैया काम पूरा करेला निर्माण कंपनी के 6 महीना तक समय थपले रहे। निर्माणाधीन सड़क के कारण व्यापार में भी कमी आई बा। दुवैतिरको नालाहरू कम्प्लिट गरेर दिने भन्ने कुरो भएको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार सडक विभागले घरहरू भत्किसकेको अवस्थामा मलुवाहरू नहटाइदिएको हटाइदिएकोमा यहाँको व्यवसायीहरू निकै दुखी छन्। हाम्रो व्यवसायहरू चौपट भइराखेको छ। व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दा पनि सडक विभागले त्यो सुनवाई गरिराखेको अवस्था छैन। र नालाहरूको काम पनि सुचारु भएको छैन। बर्सात हुन लागिसक्यो, बाढको स्थिति छैन जितपुरमा। र जुन अलिअलि काम जुन नालाको भएको छ त्यो पनि गुणस्तरहीन भइराखेको स्थानीय व्यवसायीहरूले आरोप लगाइराखेका छन्। हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्षण गर्दा पनि त्यसको सुनवाईहरू केही हुन सकिराखेको छ। इन्हें सड़क निर्माण करे के जिम्मा मिलन शर्मा यूनाइटेड दीवा निर्माण कंपनी के इंजीनियर रोजन सिलवाल 2-3 दिन भीतर सब साइड क्लियर करे के बतौले बाड़न। अब साइड क्लियर संबंध में भन्ने हो भने हामीले त्यो डिप्रेसहरू उठाउने कामहरू हामीले धमाधम गरिरहेछ। राति दिउँसो त गर्मीको कारणले दिउँसो काम हुन सक्दैन सर, त्यस कारणले राति 12 बजेसम्म हामीले बसेर काम गरिरहेछौँ। अबको 2-3 दिन भित्रमा हामीले यो डिप्रेस जितपुरको जति पनि डिप्रेसहरू छ सबै क्लियर गर्ने मेरो लक्ष्य छ, तर हामी सक्षम पनि हुन्छौँ। 5 अरब 50 करोड रुपियाँ के लागतमै निर्माण होखे लागल सड़क आयोजना कार्यालयके ढिला सुस्ती आ निर्माण कम्पनीके लापरवाही से दुविधामे पड़ल बा। अब आर्थिक समाचार के साथ में एनआईसी एशिया बैंक को चमत्कारी खाताहरु आज गएर आफ्नो र आफ्नो पुरै परिवारको खाता खोलिहालौ। नेपालको नम्बर 1 पीपीआर पाइप नेपाल टप सब ठीक ठाक। नेपाल स्टक एक्सचेंज शेयर ब्रोकर नंबर 3 अरुण सिक्युरिटीज के 3 दिन खातिर कारोबार निलंबन कैले बा। निप्से के विनियमावली बमोजिम कार्य पूरा ना कैल खत निप्से शेयर कारोबार करेला रोक लगौले ख। निप्से अरुण के असार 5, 8 आ 9 गते करके 3 दिन खातिर निलंबन कैले बा। हमनी भोजपुरी समाचार में बानी सन आप खेलकूद समाचार। खेलकूद समाचार के साथ में माउंटेन जीरो रिस्क उठा नाम बना कोपा अमेरिका फुटबल में ब्राजील वेनेजुएला से बराबरी में रुक गेल बा। आज भेल खेल में ब्राजील वेनेजुएला से गोल रहित बराबरी खेलत अंक बटले बा। लीग चरण के दोसर का खेल में वेनेजुएला के विरुद्ध मैदान में उतरल पहल का खेल में प्राप्त प्रभावशाली जीत से दोसर का खेल में सहज जीत निकाले के ब्राजील के आशा रहे, लेकिन खेल अवधि भर वेनेजुएला के दबाव में रखला पर भी ब्राजील एक गोल भी नहीं कर सकल। ब्राजील खेल में 3 गोल कैलक, फिर भी गोल के रेफरी मान्यता ना दिलन ह। फिर्मिन्हो डी बक्स भीतर से कल गोल में रेफरी फॉल देखौलन। काउंटिन्हो आ जीसस के गोल भी अपसाइड में भल रहे। समूह ए के ब्राजील 2 खेल से 4 अंक जोड़त शीर्ष स्थान में पहुंच गेल बा। वेनेजुएला 2 खेल से 2 अंक सहित तेसर का स्थान में बा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सन् 2020 में होखे वाला राष्ट्रपति पद के निर्वाचन खातिर अपन दोसर कार्यकाल के अभियान औपचारिक रूप में शुरू करे पारन। मंगल के रात फ्लोरिडा में एक रैली के आयोजना करके राष्ट्रपति ट्रम्प दोसर कार्यकाल के अभियान अंतर्गत आवे वाला हफ्ता अमेरिका में रहल अवैध आप्रवासी के हटावे के भी शुरू करे हन। ट्रम्प अपन दोसर कार्यकाल के चुनावी अभियान हजारों समर्थक सबके उपस्थिति में शुरू करे पारन। शुरुआती रूप में कल सर्वेक्षण से ट्रम्प डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ उम्मीदवार से पीछे रहल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जानकारी देले बा। राष्ट्रपति ट्रम्प मंगर के अभियान शुरू करे से पहले ट्वीट में कागजात ना भइल आप्रवासी के जैसे आयल रहे लोग उही लिखा पठावे के जानकारी देले पारन। भोजपुरी समाचार के अंत में प्रमुख समाचार के शीर्षक सब फिर एक बेर गुटी विधेयक के विरोध में काठमांडू में विशाल प्रदर्शन। विरोध के क्रम में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी के बीच झड़प। सरकार प्रतिपक्ष के किनारा लगावे के खोजल कांग्रेस सभापति दुबा के आरोप। बल प्रयोग करके आगे बढ़े के खोजल कहना। चार देश खातिर प्रस्तावित राजदूत सबके सुनवाई प्रक्रिया शुरू। शिकायत उजुरी करेला 10 दिन के समय। कोपा अमेरिका फुटबॉल में ब्राजील और वेनेजुएला के खेल बराबर। ब्राजील के गोल के रेफरी से मान्यता ना दिला बाद अंक बटाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दोसर कार्यकाल खातिर चुनावी प्रचार शुरू। प्रारंभिक चरण में ट्रंप कुछ पीछे। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। हमने अभिराम अनुकरणीय अभ्यास में बानी सन अपने जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। नमस्कार।